राजस्थान में एक अनुसूचित जाति के छात्र द्वारा अध्यापक की मटकी से पानी पीने को लेकर बहरहमी से पीट पीट कर निर्दोष छात्र की हत्या करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका विरोध राजस्थान और अन्य राज्यों के बाद अब हरियाणा के कैथल में भी इसका असर देखने को मिला। जिस बीच SC BC मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रोष मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। दरअसल आज SC BC मोर्चा के सदस्य कैथल की जवाहर पार्क में इकट्ठा हुए और एक शोक सभा का आयोजन किया। सभा के बाद सभी सदस्यों ने इकट्ठा होकर रोष मार्च निकालते हुए कैथल के लघु सचिवालय पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा। बड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये सोचना चाहिए भाई 35 बिरादरी से भाईचारा देश किसका, हिंदू हूँ तो हिंदू तो हिंदू तो हिंदू बोले हिंदू लाओ हिंदू लाओ, हिंदू का क्या एक ही विशेष जाति था हिंदू बने, ये तो 36 बिरादरियाँ का चल का चलेगा, कहाँ हिंदू क्यों मान नाम हिंदू धर्म ने, हमारे हम तो सारे धर्म मन मानेंगे के है हिंदू धर्म में। पानी पीने वाला भी जिसने प्यास लगी थी वह भी हिंदू था, जोन साहब बेकार राक्षस मास्टर था वन था वह भी हिंदू था, उसने के करया जे ईसा ईसा धर्म में अरे इसी सी बात हो रही है नहीं आजकल का वह करया, तो ईसा ईसा धर्म को तो त्याग देना चाहिए। आज हमने जो ज्ञापन देना था विरोध का था हमारा कि जो मेघवाल लड़का मारा गया है सोची समझी चाल है, जातिवाद का एक घिनौना कार्य था, जबकि अध्यापक को एक पानी पीने के कारण मटकी के हाथ लगाने मात्र से उसकी हत्या कर दी गई तो हम आज़ाद कहाँ है। 75 वर्ष की वर्षगांठ मनाई गई लेकिन कहाँ आज़ाद हैं, आज भी हमें छुआछात की दृष्टि से देखा जाता है, नीचता की हीनता की भावनाओं से पढ़ा जाता है। अगर स्कूल में फर्स्ट बेंच में बच्चा बैठ जाता है SC BC का, उसको उठा के लास्ट में भेज दिया जाता है, ये मानसिकता नहीं तो क्या है। ये सरकारों को देखना पड़ेगा, इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। जब मानव एक ही योनि से पैदा होता है, एक ही ब्लड होता है, एक ही ऑक्सीजन लेता है, तो यहाँ भेदभाव क्यों है, इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। हर व्यक्तित्व में समाज में कोई SC BC के लिए नहीं है, ये हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि सभी साथी सब इकट्ठी हैं। जब वहाँ पे प्रकृति के नियम से हम एक हैं तो यहाँ द्वेष भावनाएं अलग अलग क्यों। प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि हम सभी सामाजिक संगठन एवं जातीय समूह इकट्ठे होकर विरोध करते हैं कि देश को आजाद हुए 75 साल बीत चुके हैं लेकिन सामाजिक ताने बाने से आज भी छुआछूत का जहर पनप रहा है, जिसका उदाहरण राजस्थान का जालौर कांड है जिसमें 9 साल के बच्चे की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें कि फिलहाल राजस्थान से उठी ये न्याय की मांग पूरे देश में समय चल रही है। इस बीच सभी सामाजिक संगठन निर्दोष बच्चे के लिए सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।